भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होने जा रहा है। मैच को लेकर भारत के लोगों में पूरा जोश है और भारत की जीत के लिए कई जगह हवन यज्ञ भी किए जा रहे हैं और भारत की जीत की कामना की जा रही है। ये तस्वीरें पानीपत और अम्बाला की हैं, जहां अम्बाला में क्रिकेट के प्रशंसकों ने काली माता मंदिर में हवन यज्ञ किया। वहीं दूसरी तरफ पानीपत की तस्वीरें हैं, जहां देवी मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बोल साचे दरबार की जय, भारत माता की जय। आज जैसे कि पूरे विश्व में भारत का बोलबाला हो रहा है, उसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। आज विश्व कप का मैच है, भारत की विजय की कामना से हमने आज मंदिर में यज्ञ रखा। श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से मां से अरदास करी है भारत की विजय की, और उसी कामना के लिए हमने मंदिर में आज यज्ञ किया, मां की पावन आरती की है, ताकि भारत विजय बन करके, विजयी होकर के लौटे। मैच तो इंडिया ही जीतेगा, जब सारी सीरीज जीत रहा है पूरे, तो हमारी शुभकामनाएं प्लेयर्स के साथ हैं, तो हम भगवान से भी प्रेयर कर रहे हैं। आज हवन यज्ञ भी इसीलिए हुआ कि मतलब इंडिया जीते, और हमारी पूरी वो इच्छा है कि जीते, और जीतेगा ही, लेकिन टॉस जीतना ज़्यादा वो डिपेंड करता है। इस पे हमें बड़े खुशी है कि टॉस जीत जाए, क्योंकि टॉस जीत गया तो अपने मनपसंद बैटिंग कर सकता है, नहीं तो चेस करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्टी, थोड़ी सी मन में शंका आ जाती है देखने वाले को। क्रिकेट की आपको काफ़ी नॉलेज है? हाँ जी, क्योंकि हस्बैंड क्रिकेट प्लेयर हैं, वो खेलते थे क्रिकेट, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे जाते थे तो उसके बाद शाम को क्रिकेट खेलते थे, तो फिर घर में क्रिकेट चलता रहता है, मैच ही देखते हैं, वो तो पुराने मैच जो होते हैं ना काफ़ी सालों के, वो भी देखते हैं। तो फिर मैं शौकीन हूँ कथा कीर्तन की, तो जब मैं कहती हूँ राजे बंद करो अभी इसको, भी हमने कथा सुननी है, कहते चलो इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी ना फिर तेरी कथा लगा दूंगा। तो आज लगता है आपको हवन यज्ञ भी किया आपने? हाँ, कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है, और भगवान कार्तिक सुनेंगे हमारी इंडिया को जिताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं लगता है। पूरे पूरे चल रही है, कौन इंडिया की टीम में कौन आज सबसे ज्यादा रन बना सकता है, किसी कोई नहीं नहीं, मतलब कैप्टन ठीक चल रहा है, कैप्टन की कैप्टनसी बहुत अच्छी है, तो सारी प्लेयर अच्छे हैं, ये तो डिपेंड करता है लक होती है जिसने चल जाना है। किसी का नाम अगर नहीं, रोहित शर्मा का लग रहा है, रोहित शर्मा, एक वो जो नया लड़का आया है सूर्य, आई थिंक सुमन गिल या सूर्य कुमार, थोड़े मेरी मेमोरी इतनी फास्ट नहीं है तो, लेकिन वो बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहा है ना, उसने काफ़ी बॉल विकेट लिए हैं, मोहम्मद शमी, उसने विकेट काफ़ी लिए हैं ना, वो भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा सुदेश शर्मा। डाउट इसलिए है क्योंकि सारे मैच जीत रहा है, तो सेमीफाइनल भी जीत गया, तो कहीं आखिर में थोड़ा सा भय है कि जो फाइनल है ये जीत जाए बस। हाँ, इसी के लिए किया कि हमारे भी इंडिया जीते, फाइनल भी जीते, जब इतने मैच जीत गया तो ये कम से कम लास्ट मैच जरूर जीत गया, सेमीफाइनल जीत गया। मेरा सुदेश शर्मा। ऑस्ट्रेलिया का मैच है, क्या कहेंगे, कैसा, कौन जीतेगा आज? भारत जीतेगा बेटा, भारत जीतेगा। हाँ, इंडिया जीतेगा। हाँ, भारत, हाँ, भारत जीतेगा। हाँ, कार्तिक मास भी चल रहा है। हाँ जी, भी करनी है, कुछ आहुति भी दी है। हाँ, तो लगता है भारत जीतेगा। भारत जीतेगा। क्या नाम है आपका? प्रकाशी। जो ये प्रतियोगिता हुई है उसमें हमारा इंडिया ही जीत का दावेदार है, पूरे मैचों में, हर मैच में हर टीम को, पूरी पूरी की पूरी टीम को अच्छी तरह हराया है। इस टीम का जो दावेदार है वो हमारा वर्ल्ड कप का इंडिया ही है। अच्छा, पूरा हवन यज्ञ भी किया? ये हवन यज्ञ हम रोज ही करते आए हैं, आज खास हवन यज्ञ इसलिए किया है, ये लेडीज सब इसलिए बैठी हैं कि हमारा जो है ना इंडिया सबसे वर्ल्ड चैंपियन बने। जीतेगा मैच, जीतेगा, 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 भारत, भारत जीतेगा, जीतेगा, भारत जीतेगा, आज हवन यज्ञ भी किया है, बिल्कुल जीतेगा, दावेदार इंडिया ही है, बिल्कुल जीतेगा, भारत देश जीतेगा। क्या नाम है बताइए? भारत देश का नाम है सरोज। आज कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। किसके साथ मैच है आज इंडिया का? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ, लगता है आपको कि इंडिया हरा देगा? यस। कौन अच्छा खेलेगा आज? इंडिया। इंडिया का कौन ऐसा बैट्समैन है जो अच्छा खेलेगा? रोहित शर्मा। यस। क्या नाम है? वंशिका। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी। पानीपत से सचिन शर्मा और अम्बाला से मन कपूर, पंजाब के सिटी भी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।